हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक वायरस आया हुआ है उसके बारे में, आपको कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे बचाव करना है अपने बच्चों को। हम बात कर रहे हैं चांदीपुरा वायरस की, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी केस इसके पाए जा रहे हैं। ये वायरस जो है रेबडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फर्स्ट केस 1965 में आया हुआ था। ये चांदीपुरा इसका नाम कैसे पड़ा है इसके बारे में बात करें तो, ये महाराष्ट्र के जो है महाराष्ट्र के पास में एक चांदीपुरा गाँव है जहाँ से ये आया है, वहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा पाई गई, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रख दिया गया है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका समय जो है वो कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ टाइम दिनों के लिए रहता है। ये ज़्यादातर जो है 15 साल से कम बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, अपना टारगेट बना रहा है। जो 15 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। और ये जो है मौसम के अनुसार ज़्यादा ग्रोथ करता है, जैसे इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नमी में इसके जो है बैक्टीरिया, जो वायरस हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इस टाइम जहाँ मॉइस्चराइजर है, जो कच्ची दीवार है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो है सैंड फ्लाई मक्खियों से फैल रहा है, मच्छरों से फैल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है ये सैंड फ्लाई से फैल रहा है, इसलिए भी बचाव अच्छे से रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। प्रेजेंट टाइम में गुजरात, राजस्थान, MP में इसके केस पाए जा रहे हैं और हर जगह बच्चों में ये इफेक्ट कर रहा है। इससे जो है इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 75 से 85% इसकी जो है मोर्टेलिटी रेट है। यानी कि अगर आपके 100 पेशेंट्स जो है इसके रिस्क में है तो उनमें से जो है 75 से 80 बच्चों की डेथ हो रही है। इसलिए इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। अपने बच्चों को घर में रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो मक्खी और मॉस्किटो यानी कि मच्छरों से फैल रही है। इसकी जो है कॉमन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बच्चों में आपको कैसे इसको पहचाने कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, तो बच्चों को फीवर आएगा, सीवियर वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ होंगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, थकान महसूस करेगा बच्चे, बच्चे को खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पनिया होगी। इस तरह की समस्याएं बच्चों में देखने को मिलेंगी आपको। जैसे जैसे ये आपको सीवियर होता जाएगा बच्चे में, तो निमोनिया हो सकता है बच्चे को, एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को सीजर कन्वर्जन आ सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कोमा में जा सकता है और लास्ट में उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, बचाव रखें। इसके टेस्ट अभी ज़्यादा नहीं है, इसके कोई भी वैक्सीन भी अभी नहीं आई है। RT-PCR जैसे इसके टेस्ट किए जा रहे हैं, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, इन्वायरमेंट को सैनिटाइजेशन करें, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें, सनलाइट एक्सपोजर करें, धूप में बैठें, कपड़ों को धूप में सुखाएं, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसी भी तरह का कहीं भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है बच्चों को, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।